होटल का नाम था वाह जीवा और मेन चांदनी चौक वाली ही रोड पर, वो यानी के एक तरफ लाल किला एक तरफ जामा मस्जिद, तो ये जो बीच में जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना चांदनी चौक की, इसी चांदनी चौक पे ही बना हुआ हल्दीराम से पहले। अच्छा, तो वहाँ पर उन्होंने खाना खिलाया था। खाना तो ऐसा था कि हमने जो है ना जितने दिन हम इंडिया में रुके ना ऐसा खाना नहीं खाया। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है ना टोटल वेज आइटम था, यानी कि शाही पनीर हो गया, पनीर टिक्का, इस टाइप के जैसे आइटम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ मोहम्मद याया भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि टाइटल से आप समझ गए हैं, तो भाई गए थे सर, कब गए थे इंडिया? मई में गए थे। तो क्यों गए थे, कोई रीज़न हमारे जो व्यूअर्स को बताएं? असल में इंडिया गए थे ज़ियारत कोटे के ऊपर ना, पिलग्रिम। अच्छा, में गए थे हम। पिलग्रिम में सरकारी कोटा होता है, इसमें टोटल जो पॉलिसी होती है, जो भी सेटिंग होती है रहने की, ले जाने की, ट्रेवल की, वो सब जो है गवर्नमेंट के अंडर में। अच्छा, कौन सी दरगाह के हिसाब से मतलब गए थे? हम गए थे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के सिलसिले में। अच्छा, उनके उर्स के, यानी हमने जो अप्लाई किया था ना वीज़ा, वो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के लिए किया था। उसके लिए किया था जो, या एक आसानी उसमें ज़बान में उनका जो मेला भी कह सकते हैं, या उनके जो है सालाना जो एक उर्स होता है। अच्छा, तो कितना खर्चा वगैरह कितना आया था इसमें? हमसे वैसे तो हम हैं बेसिकली कराची से। जी जी। और जो हमारी ट्रेवल स्टार्ट होनी थी ना इंडिया के लिए, वो होनी थी लाहौर से होनी थी। तो हमारा अगर हिसाब लगाते हैं, सरकार ने हमसे लिए 55,000 रुपये, 55,000। तो जिसमें उन्होंने जो है ना होटल में ठहराया था, होटल बहुत अच्छा था, लग्जरी होटल था, एसी वाले रूम थे। अच्छा। उसके और हम अगर कराची रिलीजियस अफेयर्स के थ्रू गए होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। और अगर मैं कराची तक का खर्चा लगा दूँ, कराची से दिल्ली और दिल्ली से कराची तक का, तो मेरे 75,000 रुपये खर्च हुए आने और जाने। 5,000, सही। तो कितने लोगों का ग्रुप था आपका ये? इसके अंदर टोटल पूरे मुल्क से ना, पूरे पाकिस्तान से 104 बंदे थे। 104 बंदे, जिसके अंदर मेरे अपने जो है घर से मेरा एक छोटा भाई था, और मेरे अपने रिलेटिव जो थे ना, वो रिलेटिव जो है रिलेटिव और हमें मिला के टोटल हम 19 बंदे थे। तो आप पहले गए थे इससे पहले जाना हुआ था? नहीं, फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे। अच्छा, तो मतलब अभी मई तो मतलब कुछ ही मंथ पहले की बात है, तो लेकिन गर्मी होगी उस टाइम में दिल्ली में तो ज़्यादा। जी, हमें बारिश भी मिली है। अच्छा, बारिश मिली, दो दिन हमने बारिश भी इंजॉय। अच्छा, बारिश इंजॉय। तो यहाँ से वाघा से किस तरह, थोड़ा सा इतना बताएंगे ताकि हमारे जो देखने वाले उनको भी एक मज़ा भी आए और उनको भी एक फील हो के यार किस तरह आपने जो है वहाँ। देखिए, हम जो है हम लाहौर में जिस जगह ठहरे हुए थे ना, हम लाहौर से वाघा जो है हम अपनी गाड़ी में चले गए, अपनी गाड़ी बस वगैरह में, जो भी आपकी सहूलत। वहाँ अपने ग्रुप को ज्वाइन किया जाके? हमने अपने ग्रुप को लाहौर में ही ज्वाइन किया। अच्छा, लाहौर में। अच्छा, वो जो ग्रुप वाले थे ना, वो लाहौर से ही हमें वाघा लेके गए थे। वाघा के इमिग्रेशन तक तो गाड़ी की सहूलत थी हमारे पास, सही। यानी इमिग्रेशन तक उन्होंने हमें छोड़ा। इमिग्रेशन हमने करवाने के बाद जो उन्होंने एग्जिट की स्टैंप लगाई, एग्जिट की स्टैंप लगाने के बाद जब हम आगे गए ना, तो वो लगभग जो हमारा सफर था 800 मीटर या 1 किलोमीटर का जो हमारा सफर था, वो हमारा पैदल था। क्योंकि जो हमारा जो वीज़ा था ना, वो था बाई फुट वीज़ा था हमारा, क्योंकि बाई एयर तो ये पिलग्रिम वाले यानी मजहबी उम्र वाले नहीं, उसमें अलाउ की बात नहीं है। वो चाहते तो ले जा सकते हैं, महंगा हो जाता, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जाहिर है जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट हम कनेक्टेड जाएंगे जाएंगे, तो हमारी जो कॉस्ट है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी 55,000 से डायरेक्ट 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज बन जाएगा। सही। चले, तो बॉर्डर आपने क्रॉस किया, तो कैसा वहाँ का बिहेवियर कैसा था वहाँ की? अच्छा। जो है जितने भी जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो थी, या जो सबसे पहले तो हमने जब हमारा और उनके मुल्क में एक ही चीज़ का फ़र्क है जी, वो है सिर्फ एक लाइन और एक दरवाज़ा, एक हमारा दरवाज़ा और उनका दरवाज़ा जी, बाकी यहाँ का और वहाँ का सब कुछ एक ही है। सही, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि देखें, हम भी वहाँ से हमारे आबो अजदाद माइग्रेट करके यहाँ पहुँचे। अच्छा, कहाँ से आए थे? बड़े हमारे वाले महू से आए। महूस जी? अच्छा, इंडिया में एक है शहर है या गांव है, मध्य प्रदेश में तो नहीं है ये, मुझे इल्म नहीं है कहां पर है, कहां सही है। तो वो महू से यहां पर हिजरत कर कर आए, और कुछ हमारे हैं वो राजकोट से आए, राजकोट। अच्छा, एक बड़ा शहर। अच्छा, वैसे कास्ट क्या आपकी, मतलब जो सरनेम आप क्या यूज करते हैं? महू हमारी जो यहाँ पर असल में बेसिकली हमारे हम लोग जो है ना वो है खत्री। खत्री है, खत्रियों के आगे जो है ना खानदान का नाम होता है। अच्छा, हमारे खानदान का नाम जो है ना वो है महू। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे खानदान है इधर ही, कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ है बिड़ वाले, कुछ है राजकोट वाले, कुछ है वो गजाली, कुछ है गोजाबा,
तो इस तरह से जो है ना बहुत सारी जो है खानदानों के नाम है। तो हमारे खानदान का नाम महू वाला है। अच्छा सही, तो चलें फिर वहाँ से जो है आपने बॉर्डर क्रॉस किया, तो आगे क्या मतलब एक मंजर था, कैसा फील हुआ आपको, हमें क्या चीज़ें याद हैं? भाई सबसे पहले तो हम जो है इंडिया की सब सरजमीन के ऊपर हमने कदम रखा, तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आवाज़ निकली कि हमने अपने बाप दादाओं की जमीन पर कदम रखा है। सही, वो एक अपने वो होता है क्या नाम, खुशी होती है, हमारे बड़े जो है इस मिट्टी से होती है जमीन की भी, तो ये सबसे पहले आवाज़ निकली। तो सबसे पहले दरवाजे पे तो उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया था जी। पासपोर्ट के ऊपर उसने वीज़ा स्टिकर्स वगैरह चेक किया, फिर उसने एग्जिट की स्टैम्प चेक करी कि आए पाकिस्तान से एग्जिट हुए, फिर उसने क्लियरेंस देके हमने वहाँ आ गए। फिर हमारे जो बैग वगैरह थे उसमें जो है वो एक कुत्ता आया, उसने सूंघा और ट्रॉली से जो है बस थोड़ा सा हम पैदल गए होंगे मुश्किल से कोई 50 मीटर, 50 मीटर हम पैदल गए तो इंडिया वालों ने जो है बस दी हुई थी वहाँ पर। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वाले भी होते हैं ना उनके लिए भी अकेले जो अलग से जो लोग हाँ, उनका जो इमिग्रेशन है ना वो तकरीबन कमोबेश 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर है। सही, तो वो 2 किलोमीटर की उनकी वो डिस्टेंस थी बाई ड्राइव पे, तो वो हमें वहाँ पर अपने इमिग्रेशन पर ले गए। इमिग्रेशन पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो है उन्होंने हमारा कोरोना टेस्ट किया। अच्छा, कोविड टेस्ट भी वहाँ पर उनका वो कॉमन था, कंपलसरी है उनके लिए। उन्होंने कोविड टेस्ट वगैरह करने के बाद फिर उन्होंने हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई। पोलियो ड्रॉप पाकिस्तान के हिसाब से तो, जबकि हमारे पास पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ था पासपोर्ट पे, और जब हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ना तो ये कंपलसरी है उसमें, वो वीज़े की एप्लीकेशन में मस्ट है कि आप पोलियो सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बगैर अलाउ ही नहीं है आपका पासपोर्ट। फिर भी वो पोलियो पिलाते हैं, पोलियो पिलाया, उसके बाद हमने इमिग्रेशन काउंटर पर गए, उन्होंने बैग स्कैन करा, बैग स्कैन करने के बाद उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, मशीन पर तस्वीर कैप्चर करी और पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने एंट्री की स्टैंप लगा दिया। एंट्री की स्टैंप लगाने के बाद फिर हम बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद जाहिर सर हम तो एक कोटे पे थे ना ज़ियारत वालों के साथ, तो उन्होंने जो है वहाँ की इंडियन हुकूमत ने हमारे लिए जो है वहाँ पर बस वगैरह फेसिलिटी की हुई थी, जो ये अटारी बॉर्डर, उनका जो अटारी बॉर्डर है अटारी इमिग्रेशन से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक के लिए। अच्छा। वो अमृतसर रेलवे स्टेशन हमें लेके गए। सही, फिर उन्होंने जो है हमें वेटिंग हॉल जिसको कहते हैं ना स्टेशनों में बने हुए वेटिंग रूम, उन्होंने एक रूम हमें अलाउ कर दिया कि इस रूम में आप तमाम जाहिर रुकेंगे। सही, लेकिन उस रूम में ये हमारे साथ जो है ना थोड़ी सी कैद थी कि हम उस रूम से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने हमारी सहूलत के लिए उसी रूम के अंदर पानी वाला, जूस वाला, कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो आपको चाहिए पूरी कैंटीन वहाँ मौजूद करा दी थी। कैंटीन वाले को वहाँ भेज दिया था उन्होंने, पूरा कैंटीन था। सही, जाहिर सी बात है जब हम सुबह निकले थे हम तकरीबन कोई 7 बजे लाहौर से, तो अब जाहिर से तकलीफ होती है, भूख भी लगती है इंसान को, सब कुछ है। तो फिर जब कैंटीन वगैरह थी हमने वहाँ से कुछ सामान वान लेके हमने जो है रिफ्रेशमेंट कर ली थी हमारी। सही, करेंसी अगर आप चेंज करवाई होगी आपने? करेंसी हमने यहीं से चेंज करा ली, चेंज करवाई थी। अच्छा, यहाँ से मिल जाती है इजीली? जी जी, अच्छा, आराम से मिल जाती। अच्छा, अरे उसके बाद फिर मतलब ट्रेन में फिर आगे आप लोग गए अमृतसर से? जी जी जी। तो कैसा स्टेशन वगैरह कैसा था? हमारा कैंट स्टेशन भी आपने ज़रूर देखा होगा, हमारे स्टेशनों के मुकाबले में उनके स्टेशन बहुत डेवलप, क्योंकि हम अक्सर यही सुनते आते हैं कि यार आपका एयरपोर्ट से भी हमारा रेलवे स्टेशन अच्छा है, तो वाकई ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा। तो क्या आप ट्रेन वगैरह में बैठे आप लोग? बिल्कुल ट्रेन में बैठे हैं, उन्होंने जो है हमें जो है वो आई थिंक उनके 3 टायर एसी की जो कोच होती है ना वो थी, 2 बोगियाँ हमारे लिए रिजर्व थी। अच्छा, तो उस 2 बोगी में जो है ना कोई भी जो है भारतीय शहरी यानी कि जो इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन उसके अंदर कोई भी शामिल नहीं, सिर्फ हम ही पाकिस्तानी। दो ट्रैवल नहीं कर सकता था, बाकी तो जो है वो आते होंगे जो नहीं, उनके जो ट्रेन जो रेगुलर बेसिक की जो ट्रेन होती है ना उसी ट्रेन में ही हमारी भी 2 बोगियाँ रिजर्व थी। अच्छा, लेकिन उन 2 बोगियों में सिर्फ हम 2 बोगियों के अंदर पाकिस्तानियों के अलावा और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। सही, तो फिर वो ट्रेन में रास्ते में स्टेशन वगैरह भी काफी नहीं देखे तो होंगे स्टेशन? जी, कौन कौन से अंबाला आया था और अच्छा। काफी स्टेशन आए थे, मुझे तो सारे स्टेशनों के नाम याद नहीं है, लेकिन एक मशहूर स्टेशन है अंबाला। अंबाला हरियाणा का है? हरियाणा नहीं आया उसमें, अंबाला हरियाणा का शहर है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि यहाँ अंबाला बेकरी आपने सुनी है कि नाम, वो भी वहीं से महमूदाबाद पर जो। हाँ, तो अच्छा, ये फिर उसके बाद वहाँ दिल्ली में पहुंचे आप, तो कैसा वहाँ पे क्या माहौल था, कैसा स्टेशन वहाँ का कैसा था? बहुत बड़ा। कौन सा स्टेशन पे उतरे आप? हम लोग ये पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। अच्छा, पुरानी दिल्ली जंक्शन था, दिल्ली जंक्शन के नाम से स्टेशन। अच्छा, एक तो निजामुद्दीन औलिया के नाम से भी है, वो तो इंटरसिटी के है वो। अच्छा अच्छा, वो मतलब लोकल ट्रेन वगैरह के लिए हम जो उतरे थे वो दिल्ली जंक्शन पे। दिल्ली जंक्शन, तो वहाँ कैसा माहौल था, क्या था, या पब्लिक देख रही थी रिस्पॉन्स? जाहिर है सोच तो रहे होंगे क्योंकि आपने शलवार कमीज और वही एक पहना हुआ। असल में तो यहाँ से जब हम स्टेशन से निकले थे ना अमृतसर से, तो हमारी बोगियों के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे। अच्छा, जो किसी भी स्टेशन पर हमें उतरने का अलाउ था ही नहीं, हम किसी भी स्टेशन पे यानी कि अगर ट्रेन 1 घंटे के लिए भी अगर होल्ड है ना तो हम स्टेशन पे नहीं उतर सकते। सही, सही। ये हमारे लिए कैद थी।
लेकिन इसमें हमारी अपनी कोई बेहतरी थी क्यों? जाहिर सी बात है हम उनके मेहमान हैं, उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी सेफ्टी के लिहाज से। लेकिन दिल्ली स्टेशन पे जब उतरे थे ना तो उन्होंने हमारे लिए मखसूस गेट था, उसी गेट से हमें बाहर निकाल के बस में चढ़ा के हमें डायरेक्ट होटल ले गए। अच्छा, लेकिन होटल ले जाने के बाद जो है ना, होटल जब हम पहुंच गए फिर उसके बाद हमारे लिए सारी कैदो पाबंदियाँ खत्म हो गई, हम जहाँ चाहे जा आ सकते थे। अच्छा, तो उसमें ये नहीं था कि अपने ग्रुप लीडर को बता के जाने का था या नहीं? ऐसा कोई नहीं था। असल में ये था कि आपने जो है ना, आप सुबह जितने मर्जी बजे चले जाएं, 9 बजे 8 बजे जहाँ जाने आप जा सकते हैं, बस शर्त के आपने रात 10:30 से 11 बजे होटल वापस आना है। क्योंकि अटेंडेंस लगती थी कि सारे जाहिर वापस आ गए। अच्छा चले, अब थोड़ा सा आते हैं कि होटल का नाम क्या था जहाँ आप लोग ने स्टे किया था? जिस होटल में हम रुके हुए थे उस एरिया का नाम तो पहाड़गंज है। पहाड़गंज, और होटल का नाम था टुडे इंटरनेशनल। टुडे इंटरनेशनल, अच्छा। तो कैसा वहाँ सर्विस वगैरह किस तरह की थी? माहौल अच्छा थी। अच्छा, फिर जो है उर्स की तकरीबात में भी शामिल हुए तो वहाँ वो कैसा माहौल था? अच्छा था, अच्छा लगा, सही। अच्छा, उसके अलावा घूमे किधर, कौन कौन से एरिया में जाना हुआ? हम काफ़ी जगहों पर गए थे, जगहों के इलाकों के तो मुझे नाम याद नहीं है। सही, तो मशहूर तो आपको पता है कि जामा मस्जिद का ही एरिया है। जामा मस्जिद का एरिया है, जामा मस्जिद, चांदनी चौक हो गया, और इसके अलावा सदर बाजार वगैरह, ये तकरीबन हम घूम चुके हैं। फिर ये पुरानी दिल्ली के इलाके, फिर इसके अलावा जो नई दिल्ली के इलाके हैं हमने वहाँ भी विजिट्स किए, नई दिल्ली की मार्केट्स वगैरह भी विजिट किए, और उसके नाम मेरे अभी जहन में नहीं है। तो वहाँ किस तरह ट्रैवल कर रहे थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया आपने? जी, लोकल ट्रेन या नहीं, ट्रेन वगैरह तो नहीं यूज़ करी। खैर हमने बस वगैरह में, बस में भी हम नहीं जाते थे, हम रक्शों में जाते थे। रक्शों में, ऑटो में, हमें मालूमात नहीं है कि कौन सी बस कहाँ जाएगी क्या है। तो वहाँ मीटर सिस्टम था? नहीं था, फिल्मों में तो मूवीज में देखते रहते हैं, मुंबई में तो मीटर सिस्टम होता है रक्शों में ज़्यादातर। रक्शे वालों से हमने मीटर का कहा था तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है ना फ्यूल के प्राइस फ्लैप मारा है, जिसकी वजह से जो ना मीटर पे आपको नहीं ले जा सकते, किसी भी रक्शे वाले ने हमें मीटर पे ट्रैवल नहीं करवाया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अभी मीटर अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा, ये ले रहा है 6 रुपए पर किलोमीटर, और पेट्रोल के चार्जेस के हिसाब से 16 रुपए पर किलोमीटर बनना चाहिए। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने किसी ने हमें मीटर पे सवारी नहीं कराई। सही। और इसके अलावा खाने, खाने क्या क्या खाए वहाँ पे आपने? क्योंकि काफ़ी खाने तो ऐसे हैं दिल्ली के जो यहाँ हमें मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और ऐसे क्या क्या चीज़ें आपने जो है ट्राई की? अगर सिर्फ खाने की बात करनी है ना, तो खाने इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कराची से अच्छा खाना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सही। क्योंकि मैं दुबई में भी रह चुका हूँ, कराची में भी रहता हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, आपको तो पता ही है काम के हवाले से मेरा आना जाना लगा रहता है। सही। और मैं अभी रिसेंटली इंडिया होकर आया हूँ, इंडिया के अंदर खाने के अंदर बंदा कुछ खाए ना तो सिर्फ वेज खाए, वेज खाना, वेज के अंदर खाने का कोई उनका जोड़ ही नहीं है आपको। अच्छा। वेज ऐसा कहीं पूरे पाकिस्तान, क्या क्या कुछ याद है, कौन कौन सी डिशेज ऐसी ट्राई की आपने? हमारे एक दोस्त हैं जो उधर रहते हैं अपना पाली में। अच्छा। राजस्थान का एक शहर है पाली, पाली, वो हमसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सामान था, उनका नानी का घर यहीं कराची में, उन्होंने हमें सामान दिया था, वो लेके जाना था। हम दिल्ली लेके गए थे तो वो हमारे पास आए थे ना मिलने के लिए, तो वो हमें लेके गए थे एक हिंदू के होटल पर। अच्छा। तो उस होटल का नाम था पता नहीं, नाम मेरे जहन में नहीं है क्या था, लेकिन था वो चांदनी चौक पर। अच्छा। और वाजीवा, वाजीवा होटल का नाम था वाजीवा, और मेन चांदनी चौक वाली ही रोड पर, वो यानी कि एक तरफ लाल किला एक तरफ जामा मस्जिद। सही। तो ये जो बीच में जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना चांदनी चौक की, इसी चांदनी चौक पे ही बना हुआ हल्दीराम से पहले। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने हमें खाना खिलाया था। खाना तो ऐसा था कि हमने जो है ना जितने दिन हम इंडिया में रुके ना ऐसा खाना नहीं खाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है ना टोटल वेज आइटम थे, यानी कि शाही पनीर हो गया, पनीर टिक्का, इस टाइप के जैसे आइटम नहीं होते, अगवानी पनीर। तो उन्होंने ऐसे, हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो उन्होंने बोला क्या खाना है। मैंने कहा देखो भाई हमें तो नहीं मालूम कि इसका क्या अच्छा है क्या नहीं, आप लोगों को तो वास्ता है, आप लोग तो आते रहते हो। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना ऑर्डर बनाया था, तो जो भी ऑर्डर में आया था ना खाना बहुत शानदार था। अच्छा, वहाँ आम पब्लिक से मिलना मिलाना हुआ जो वहाँ के लोकल लोग, आपके जो जानने वालों से हट के, या स्पेशली वहाँ के लोग, ये क्योंकि ज़ाहिर लोगों से मिलना होगा और एक पाकिस्तानी मुस्लिम, तो कैसा वो कैसा रिएक्शन इसके अंदर? मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ ना। तो देखें, एक तो हमारे मोहल्ले में हैं, ठीक है ना, शकील साहब। अच्छा। उनका यहाँ पर एक कैटरिंग का काम, पकवान वगैरह का काम है, तो उन्होंने, उनकी एक चाचा है दिल्ली में। अच्छा। वो बहुत मशहूर शख्सियत हैं दिल्ली के अंदर, हमें तो मालूम नहीं था कि वो इनके रिलेटिव वहाँ दिल्ली में भी। तो मेरे वालिद ने उनसे कहा कि बच्चे जा रहे हैं इंडिया, कुछ भेजना है तो भेज देना। मेरे वालिद को शायद गालिबन पता था इस बात का, तो उन्होंने कहा कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा मई में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सामान दे दूँगा। उन्होंने कुछ तोहफे तवाइफ दिए थे हमें, उन्होंने एड्रेस समझा दिया, हम पहुँच गए लेके।
आपने यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे देखा होगा हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई वाले। अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन अब आप देख लीजिएगा। सही सही। तो हम जो है उनकी शॉप पर पहुंचे, वो तोहफे ले गए। तो शाम का टाइम था 8 बजे का, खाने का टाइम होता है, आपको भी पता ही है। तो हम 8 बजे वहाँ उनके लिए सामान ले, हमने बोला भाई आपका सामान आया, हम पाकिस्तान से आए कराची से। उन्होंने कहा किसने भेजा है? हमने कहा शकील साहब ने भेजा। उन्होंने कहा जिनका कैटरिंग का काम है? मैंने कहा जी। उन्होंने सारा काम छोड़ के उन्होंने बोला आप बैठो पहले खाना खाओ। उनकी दुकान पे रश लगा हुआ था, कस्टमर बैठे हुए थे काफ़ी माशाल्लाह। टाइमिंग ऐसी थी कि उनका जो है ना वो काउंटर जो है फ्री होता ही नहीं था, यानी पब्लिक बैठी है ठीक ठाक। तो उन्होंने बोला भाई हमारे ना कराची से मेहमान आए, आप जगह बनाओ। भाई उन्होंने इतना बोला जितने बैठे हुए थे सब खड़े हो गए, आप हमारी टेबल बैठ जाओ, हमारी टेबल। अच्छा। उनके रिएक्शन से क्या मतलब हुआ कि जितने इंडियन बैठे हुए हैं वो मोहब्बत करते हैं, तभी तो खड़े हो गए, वरना कौन खड़ा होता अपनी जगह से। सही सही। मेहमान फिर वो मेहमान नवाजी, फिर उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह खाना पिलाया। जितने भी हमारे भी दोस्त हैं और स्पेशली जो है हिंदू जितने भी दोस्त हैं वो स्पेशली यही बात कहते हैं अतिथि देवो भवा, कि भाई मेहमान तो हमारे लिए भगवान जैसा है। तो हमारे तो मुसलमान यही कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है, साथ लेके आता है। मेहमान जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत भी है। नेमत है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये एक पहला वाक्य हमारे साथ ये हुआ। फिर अच्छा इतफाक ऐसा हुआ कि हम लोग मार्केट जाए सर, हम लोग तो गए थे तो मार्केटें भी देखी हम लोगों ने। हम एक मार्केट में गए एक दुकानदार के पास ना, तो कुछ ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे साथ थे ना वो मेरे मामू सुसर भी हैं, मेरे चाचा भी हैं। अच्छा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग 19 बंदे थे रिश्तेदार आपस में। वहाँ पर हम पहुँचे, उनका गारमेंट्स का काम है ना। अच्छा। बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। तो वो जो है गारमेंट्स की दुकान पर गए कुछ देखने के लिए, तो उसने हम लोगों को देखा ऊपर से नीचे। उसने कहा कहाँ से आए? अच्छा हमारे काफ़ी रिश्तेदार जो है ना मुंबई इंदौर वगैरह की साइड पे रहते हैं ना। तो अच्छा। हमने बोला यार हम यहीं इंदौर से आए। अच्छा। तो वो सुनी सुनाई कर दी उसने बात ना। फिर उसने ठीक 5 मिनट बाद दोबारा बोला यार तुम लोग यहाँ के भी नहीं हो और ना इंदौर के हो, तुम लोग इंडिया के ही नहीं हो। अच्छा। फिर उसने जब ये बात कही ना, हमने कहा भाई हम कराची से आए। तो बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसने जो ना सारे काम छुड़ा के उसने बच्चे को बोला जा बेटा इन लोगों के लिए तू ना नाश्ता लेके आ। हमने बोला नहीं भाई कुछ बोले नहीं, आप अब ऐसे जा ही नहीं सकते। मैंने बोला अच्छा आप पानी मंगवा लो और चाय मंगवा लो। उसने भी चाय वाय मंगवाई, यानी कि मेहमान नवाज वो बंदा था। लेकिन जो है ना हमने ये नहीं समझा, हमने इसलिए उसको फोर्स नहीं किया कि हम उसके बोझ ना बन जाए, चाहे उसके लिए कोई आजमाइश ना बन जाए बात। क्योंकि आपको पता है कि दोनों मुल्कों के मामला ऐसे हैं कि अगर आप इंडियन हैं और आपने मुझसे हंस के भी बात कर ली ना, पीछे से आपके पुलिस आ गई तो आपके लिए आजमाइश है। वहाँ पर हमने सुना है कि ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। अच्छा ये बताएं कि अब एक और चीज़ पे आते हैं थोड़ा सा। अब ये चीज़ें तो हैं पूछने को फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें और हैं, लेकिन वीडियो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी जो है लेंथ उसकी बढ़ गई है। लेकिन थोड़ा सा एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि भाई यहाँ पाकिस्तान में तो रह ही रहे, हम भी रह रहे हैं, आप भी रहे, ठीक है, वहाँ आप गए तो उनको देखने के बाद क्या फ़र्क लगा कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, कितना पीछे रह गए हैं, या हम उनसे आगे निकल गए हैं टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें फैसिलिटीज़? ज़ाहिर है आपने ट्रेन में भी सफ़र किया और दूसरी चीज़ें भी आपने देखी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए या मुकाबला कंपैरिजन बनता है कि नहीं? हम आजकल जो है तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन देखें हम रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान में, सब कुछ यहीं करना है, मरना है तो यहीं इसी मुल्क में जाना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें हमारा मुल्क प्यारा, उन्हें उनका मुल्क। बिल्कुल नहीं, मुल्क की बात नहीं, सिस्टम टेक्नोलॉजी सिस्टम पर ही आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। सिस्टम की रही बात और टेक्नोलॉजी की रही बात, तो हम बहुत नीचे हैं, हम वो बहुत ऊपर हैं। सही ठीक है। ये कह सकते हैं कि हम अभी आज़ाद हुए और उनको आज़ाद हुए जो है ना वही 72 साल पूरे हो गए। अच्छा। और हमें तो आज़ाद हुए क्या, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट की या ऐसी टेक्नोलॉजी क्या आपके जहन में अभी भी है कि यार ये चीज़ देखी तो मुझे लगा कि यार ये हम लोग के पास अभी तक नहीं या आनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में भी ज़ाहिर आ रही हैं लेकिन थोड़ा लेट आती हैं हमारे पास। जो भी टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी प्रोडक्ट भी आती है तो काफ़ी दूसरे मुल्कों में आने के बाद आखिर में हमारे पास पहुंचती है, तो क्या कहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हमने देखें? सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्शे की मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ रिक्शे किस पे चलते हैं? हमारे यहाँ फ्यूल पे चलते हैं, गैस पे चल रहा है या तो पेट्रोल पे चल रहा है, CNG पे, ऐसा ही है ना। हमारे वहाँ पर जो है ना इंडिया में रिक्शे उस पे चलते हैं इलेक्ट्रिक पे। अच्छा। इलेक्ट्रिक से वो चार्ज करते हैं और पूरे दिन चलाते हैं। अच्छा। या दोबारा जाना चाहेंगे मौका मिले? जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आप नहीं जाना चाहते? हम तो जाना चाहते हैं, हम तो जाहिर है जैसे आप जाना चाहते हैं। आपके अंदर भी एक कुड़न होगी ना कि यार मैं भी जरा हिंद देख के आऊं, क्योंकि मेरे भी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं से एक लिंक तो है, क्योंकि जाहिर है पहले एक कंट्री थी। एक कुड़न होती है बंदे की, जाहिर सी बात है, देखें जो कीड़ा होता है ना इंसान का घूमने फिरने का, वो कभी जिंदगी में नहीं मरता। तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर जो कुड़न थी ना कि इंडिया देखना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना देख कर आ गया। लेकिन अब जो मुझे जो जस्तु जो है ना मस्जिद जाने की, वो इस नियत से जाने की है कि वहाँ पर जो है ना ज़ियारतें काफ़ी हैं।
सही। क्योंकि मैं जब दिल्ली गया था ना तो दिल्ली के अंदर गाली कमोबेश 26 से 30 ज्यारतें हैं। अच्छा। और उसमें से मैंने जो अभी तक ज्यारतें कर ली हैं वो 19 ज्यारतें मैंने कर ली हैं। अच्छा। लेकिन अभी कुछ ज्यारतें बाकी है तो मैं तो दोबारा जाना जरूर चाहूंगा। इंडिया सिर्फ मैं यहाँ नहीं जाना चाहूंगा, कहाँ पर दिल्ली, मैं तो चाहूंगा कि मुझे पूरे इंडिया का वीजा मिल जाए। मैं मुंबई, आगरा, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, अजमेर, जितने भी शहर हैं मैं एक्स वाई जेड तमाम शहर विजिट करके तमाम ज्यारतें भी कर लूँ और सब मजारात से होके आ जाऊँ। सही सही, मेरी तो अब ये नहीं आता। सही, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। और भाई होपफुली आप लोग को जो है भाई की बातें सुन के मजा आया होगा। और वही है कि यार देखो, हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें बोलने को, बहुत सी चीज़ें, ठीक है, बाकी तो ये चलता रहेगा। इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम वगैरह ये तो अब शायद कभी ख़त्म हो ना हो, लेकिन आप लोग, आप जैसे पॉजिटिव लोग जो हमें देख रहे हैं, हम भी पॉजिटिव हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिविटी को ही जो है आगे बढ़ाते हैं, स्प्रेड करते हैं। और भाई से भी हमने जो स्पेशली हमें बात इसलिए हमने कहा आपसे भी जो है मिलवाएँ, क्योंकि ये तकरीबन रिसेंट ही होके आए, क्योंकि मई 2023 में ही ये गए थे, तकरीबन 3-4 मंथ पहले ही जो है ये होके आए। तो ज़ाहिर है इनसे बेहतर कौन बताए, क्योंकि इतनी सारी आप लोग भी बताते कि यार बहुत डेवलप हो चुका है। पहले हमने कभी इंटरव्यू किए थे, लेकिन रिसेंट वाले शायद एक आध किसी पर्सन का हमने किया, लेकिन ज़्यादातर जो है बहुत साल पहले गए थे। तो इसलिए तो होपफुली आप लोग को मज़ा ज़रूर आया होगा। और भाई इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो वीर जी वीडियो ख़त्म, वीडियो काफ़ी माशाल्लाह लेंथी थी और हमें बैठे बैठे भी काफ़ी देर हो गई, 20 किस्म की वीडियो थी, लेकिन उसने बातें एक्सपीरियंस अपना बताया जब वो इंडिया गया 2023 मई में वो गया, यानी कि आज से कुछ आज चल रहा है अपना तीन चार महीने पाँच हो गए हैं, खैर मतलब रिसेंटली गया है। तो मेरे अंदर एक खुशी की भी लहर इसलिए भी पैदा हो गई क्योंकि अगर इसको वीज़ा मिल सकता इंडिया का तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, हमें भी तो मिल सकता। और अब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। मैं कल प्लान बना रहा था, हकीकत बात है, मैं कल सोच रहा था बैठा कि यार क्यों ना हम इंडिया यार विज़िट करें, क्यों अब उस दौर हो रहा है क्या नहीं वर्ल्ड कप हो रहा है तो हो सकता है वो हमें ईजिली वीज़ा कर दे दे, तो हो सकता है कि अगर मैं अप्लाई कर दूँ, अगर अप्लाई मेरा वीज़ा लग गया इंडिया के लिए तो मैं विज़िट ज़रूर करूँगा। अगर विज़िट अगर लग गया वीज़ा तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा और ज़रूर आऊँगा। एक तो वर्ल्ड कप भी देखेंगे, तो मेरे ख्याल में उधर वीडियो बनाने की पता परमिशन है कि नहीं है, अगर तो उधर होगा ना मतलब कि मेरा वीज़ा अप्रूव्ड होता है इंडिया में नहीं, तो मैं जरूर आलोक साहब के साथ एक मैच करूंगा और साथ स्पेशली नाजिया इलाही, उस पर मुझे बड़ी ताप है, चाहे मैं इंडिया में भी चला गया ना, बातें मैंने अपनी ही करनी है, ये नहीं कि मैं उधर डर के बात करूंगा। अगर कभी मौका मिला तो पता नहीं, अब वीजा दिखते भी हैं, मेरा पासपोर्ट सब चीजें बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे ही हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों मैं अप्लाई कर दूं, हो सकता है वर्ल्ड कप की वजह से एज अ टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए, लेकिन छानबीन चेकिंग बहुत होगी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो फिर मैं तो इंडिया के वीडियोस पर भी रिएक्शन करता हूँ, यही सबूत उनके लिए काफ़ी है। लेकिन ये वीडियो जो बता रहा था भाई उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखी ना कि 2023 के मई में वो गया है, तो भाई मुझे खुशी हुई है कि एक आस उम्मीद लगती ना कि इंसान यार चले यार इंडिया में भी कभी चक्कर लग जाएगा। तो गुलजार भाई को भी बड़ा शौक था, आपको याद आया कि नहीं, गुलजार भाई GM ऑथेंटिक रिक्शा वाला, वो भी कहते थे मैं उसको भी इन्फॉर्म करूंगा भाई 2023 में बंदा फिर आया इंडिया में, क्यों ना हम भी चलें, तो हो सकता है वो मेरे साथ वो भी प्लान कर लें। आपका कोई प्लान है रहमतुल्लाह असलम भाई इंडिया में जाने का? यार वाकई है श्योर, क्योंकि ये आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी के लिए जाने की। मेरा वाकई दिल ये चाह रहा था कि यार क्योंकि दोनों कंट्री पहले एक ही थे, तो वहाँ पे जो जिस तरह वहाँ पर सिख भाइयों का दिल करता है ना पाकिस्तान में आने के लिए, जैसे हमारा भी करता है इंडिया में जाकर, बोंगिया ना मारा करो बात करो
क्या बोंगियां मारो यार, बोंगी मारो सिख भाइयों को मारिए पाकिस्तान नहीं, वो आने को देखो हाँ, वो गुरुद्वारे गुरुद्वारे हमारे बाप दादा की, अदरवाइज कोई उनका दिल नहीं कहता, उनका कोई इबादत आप उनके दिल का हाल है यार, क्या आप हर बात को नेगेटिव मेरे को लेकर चले जाते हैं। अच्छा चलो अदरवाइज चले जी चले, अदरवाइज उनका दिल नहीं कहता, गुरुद्वारे करता है, आप उनके ब्लॉग देखो जब अच्छा आगे शापर ना छोड़ो जी, मेरा भी कर रहा है कि मैं भी जाऊं, लेकिन क्यों किस लिए वीजा मुश्किल होगा, नहीं किस लिए तुम्हारा तुम क्यों वहां पर देखने के लिए वहां पर लेके आए, वो इंडिया के मतलब वो सरजमीन किस तरह की, वहां पे जो लोग हैं या किस तरह की फिल्मों में तुम बड़ा कुछ देखते हैं, लेकिन हकीकत में जो रियल में वो उधर का है, वो तुम्हारा मौलाना खुद मान रहा है कि भाई वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, उसने एग्जांपल्स दी हैं, उसने ये बात की है भाई कि जब मैं किसी जगह पे वो कहते हैं गए तो उनने पूछा हमारे तौर तरीके या बोल चाल से, उसने पूछा कि गए थे कपड़े लेने पर किसी, हाँ, तो आप जो है ना आप हम इंडिया के नहीं लगते, तो फिर उसने बताया कि हम पहले कहा कि तुम इधर के नहीं लगते, हम इंदौर के हैं, उन्होंने 5 मिनट बाद फिर पूछा कि नहीं आप इंदौर के भी नहीं लगते, मतलब कि बात से जो है ना बातों से हमारा जो है ना एक्सेंट एक्सेंट डिफरेंट है इंडिया से, जिस तरह हम बोलते हैं जज्बा वो बोलते हैं जज्बा, मतलब इस तरह का फिर इस तरह फिर वो हम बोलते हैं काफी डिफरेंट है, वो मतलब नहीं नहीं वो इसके अलावा भी एक्सेंट में बड़ा फर्क है, उनका जो एक्सेंट है यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है लफ्जों की बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनका, अगर सेम लफ्ज भी वो बोले तो उनके और हमारे जो है ना लहजे, लेकिन उसने जब ये सुना कि हम कराची से तो यकीन जाने उसने उसने कहा बड़ी बड़ी हमारी बहुत ज्यादा खुशी हुई, ये मुझे देख के ना एक इंडियन एक्ट्रेस है उन्होंने मजाक रात में आई थी तो उसने एक बात की थी कि हम पहले जिस देश को दुश्मन मानते थे ना तो हमें बैठे बैठे प्लानिंग सूची कि हम पाकिस्तान फिर के आए, तो कहते हैं हमें कहीं ना कहीं वीजा मिला तो हम पाकिस्तान में आ गई, तो कहती हैं कि जहाँ हम पहले एक दफ़ा को मुझे वो कह रही है कि रोड पर खड़े थे तो हमें बस वगैरह नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा कि हम एक पुलिस वाले के पास गई, उन्हें कहा कि भैया जनाब हमें हाँ ये भैया वाला लफ्ज भी हम बोलते हैं कि हाँ भैया उधर कराची में भी चलता है और उधर भी चलता है भैया बोलते हैं इससे पर तो इंडिया में कहा कि भैया रहने देते हैं जनाब जो इधर का लफ्ज हम भाई बोल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें ट्रेन जो है बस वगैरह नहीं मिली तो हमें कोई वो बस करवा दे, तो उन्होंने कहा आप कहाँ से, उन्होंने कहा कि हम पहले तो हमने डर के बोला कि हम इधर से ही है, तो उन्होंने कहा नहीं इधर की नहीं लग रही, उन्होंने कहा कि फिर हमें हमने जब बताया ना कि हम इंडिया से तो कहते हैं कि तुम तो हमारी मम्मा तुम इधर आ, उसने बाकायदा बस को रक्षे को मेरे ख्याल में रोका, तो उसने कहा कि इसको इसके दरवाजे तक छोड़ के आओ और किराया भी नहीं लेना, मुझे वो बात याद आ गई भाई मेहमान नवाज है, उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की भी बात की, उनकी फिर टेक्नोलॉजी की भी बात की, फिर उनके लोगों के रहने की बात, उन्होंने कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में इतना फ़र्क है, इस तरह समझ लें कि हम अभी आज़ाद हुए हैं और वो हमसे 74 या 75 ईयर्स पहले आज़ाद हो चुका हुआ है, समझ लें को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो हम तकरीबन 100 साल है, उनका सारा क्रेडिट उनके जो हुक्मरान है उनको जाता है क्योंकि वो अच्छे थे, और ये जो हमारी लड़ाई है ना हमारे दोनों मुल्कों की आपस में लड़ाई वगैरह चलती है ये सियासी तौर पे यह ज्यादा आवाम में कोई लड़ाई नहीं है, ये है आवाम तो एक दूसरे को चाहती है, और ये जो लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस था ना वो अच्छा रहा, उसने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस बड़ी उसे तरीफ की खुल कर गई, उसने कहा मुझे कोई ऐसे मतलब नहीं है कि मैं कोई ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोल नहीं, इंडिया के लोग मेहमान नवाज हैं, इंडिया के लोग उनके अंदर नॉलेज है, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो हमसे ज्यादा तरक्की में है, हम वो IT के लिहाज से हमसे ज्यादा बहुत आगे हैं, और उन्होंने कोई इस तरह की मतलब मेरे साथ हमारे साथ हरकत नहीं की, हम काफी दो बोगियों ने कहा, उसने शुरू से लेकर एंड तक पूरी वो कहते हैं कारगुजारी सुना दी किस तरह हम गए, उन्होंने कहा हमारी दो बोगियाँ, फिर अम्बाला जो स्टेशन की बात की मतलब जो बहुत ज़्यादा मशहूर है उधर, तो ये सारी चीज़ें मदद रखते हुए यही नतीजा खत किया जाता है कि एक तो वो मेहमान नवाज बहुत ट्राई करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, बहुत मैं पहले कह चुका हूँ मेहमान नवाज है वो मेहमान नवाज भी हैं और वो जो है लोगों के शौक वेलकम भी करते हैं, वो कोई ज़्यादा मतलब इतनी नुकताचीनी भी नहीं करते, तो मज़ा आएगा अगर वीज़ा मिल गया मैं यकीन कर अप्लाई कर दूंगा, पता है मिलता कि नहीं मिलता क्योंकि सबसे ज़्यादा अब ये मौका है, इससे बड़ा मौका पाकिस्तान में करने अप्लाई, हाँ।
हो सकता है मैं सुबह कर दूँ, ये भी हो सकता है। खैर मिलते नई वीडियो में, बड़ी शानदार वीडियो थी नाट आप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।